हेलो गाइस, मैं हूँ नीलू और मेरे चैनल नीशू ऑलवेज खुश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग वैष्णो माता के दर्शन करके अब हम लोग लौट रहे हैं और ये है श्री वैष्णो माता कटरा रेलवे स्टेशन। ये अभी न्यू बना है, तो आइए चलिए। पहले मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ इसमें कैसे बना हुआ है, इसका मेन जो गेट है वो कैसा है। तो गाइज, आजकल जो है वीडियो बनाने का इतना क्रेज है कि जब मैं वीडियो बना रही थी यहाँ पे स्टेशन पे, तो यहाँ पे मुझे एक दो लोग मिल गए थे जो कि वो भी वीडियो बना रहे थे शॉर्ट्स के लिए। तो अच्छा लगा देख के, उनके साथ फ्रेंडशिप भी हमारी हो गई। और देखिए, अब हम लोग पठानकोट रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं और यहाँ से हमने अपना सामान वामान सब निकाल के बाहर आ गए हैं। और अभी यहाँ से हम लोग दो टैक्सी हमने बुक की है और उससे हम लोग जाएंगे। हाँ, तो आपको अभी बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये पठानकोट छावनी स्टेशन है ये देखिए गाइस। तो हमने टैक्सी जो बुक की थी उसमें हम लोग बैठ गए हैं। और चलिए, आप लोगों को का जो सरप्राइज़ है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। तो हम लोग यहाँ से डलहौजी जा रहे हैं, जो कि एक छोटा सा हिल स्टेशन है और बहुत ही सुंदर है। वैसे तो पहाड़ी जो प्लेस होते हैं वो वैसे ही ब्यूटी के लिए अपने फेमस होते हैं, लेकिन यहाँ पे पहुँच के हमें बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही शांति प्रिय जगह। आजकल तो हर जगह लाउड इतना होता है, हर जगह टूरिस्ट आपको मिलेंगे। डलहौजी में भी जहाँ पे हम गए वहाँ पे भी मिले, लेकिन
फिर भी बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, क्योंकि इतना रश नहीं है जितना कि और जगह देखने को मिलता है आजकल। तो आप भी चलिए, पहले हम रास्ते में आपको व्यू दिखाते हुए चलते हैं। तो गैस, पठानकोट से देखिए हम लोग चल दिए हैं डलहौजी के लिए, और पठानकोट से जो इसकी मतलब डिस्टेंस है वो 85 किलोमीटर है, और लगभग आधा पहुंचने के बाद यहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा मतलब ठंडा हमको फील हुआ। और बाकी नीचे तो पठानकोट तो सबको पता है कि वो गर्म ही जगह है। तो रास्ते में तो हमने जब आधा हम लोग पहुँच गए थे तो उसके बाद एसी उसी बंद कर दिया था, तब तो बहुत अच्छा सुहाना मौसम हो गया था, बाकी नीचे स्टार्टिंग में तो गर्म ही था। तो देखिए हम लोग रास्ते में चल रहे हैं म्यूजिक सुनते हुए। रास्ते में एक जगह हम लोग उतरे भी थे रेस्टोरेंट में खाना वाना खाने के लिए, तो सब जगह की वीडियो अगर मैं लेती और इसमें ऐड करती तो फिर काफ़ी बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने इसमें इन सब चीज़ों को ऐड नहीं किया है। बाकी मेन था कि व्यू दिखाना है आप लोगों को, प्लेस दिखानी है कैसा है वो जगह। तो खूबसूरती जो है वो पहाड़ों में तो हर जगह ही देखने को मिल जाती है, कोई भी जगह आप ले लीजिए पहाड़ का, तो उसी में से एक ये भी है। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है ये, और आपको ले चलते हैं वहाँ पे। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये, लेकिन वैसे घूमने के लिए अगर कोई नई जगह घूमने जाते हैं तो डलहौजी के लिए आप लोग प्लान कर सकते हैं, और इसके लिए सारी सुविधाएं हैं। आप एयर टिकट के थ्रू भी जा सकते हैं, बाकी ट्रेन से तो हम लोग आए ही, आपने देखा ही है। तो देखिए हम लोग पहुंच रहे हैं लगभग, अब हम लोग धीरे धीरे अपने उस जगह पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे हमको जाना है, और पूरा पहाड़ी एरिया रास्ता है ये। तो वोमिटिंग की अगर किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, अगर किसी को है तो, बाकी वैसे तो क्या है कि अगर फैमिली के साथ आप कोई भी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो इंजॉयफुली होता है, उसमें पता नहीं चलता है इन सब चीज़ों का। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग भी रास्ते का मज़ा लीजिए। तो गैस देखिए हम लोग डलहौजी में पहुंच गए हैं, और यहाँ से हम अपने होटल में गए, और होटल में हम फ्रेश व्रेश हुए, और उसके बाद हमने रेस्ट भी किया। और अब देखिए शाम को हम लोग यहाँ पे निकले हैं, ये है मॉल रोड, यहाँ का डलहौजी का ये मॉल रोड है, और बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही अच्छा लगा इसमें देख के। ये पूरा मतलब ऐसे ही शाम के टाइम में पूरी लाइटिंग वाइटिंग रहती है, दुकानें हैं दोनों साइड, और खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे। गुलाब जामुन यहाँ पे बहुत चलता है गरम गरम, और कई तरह की कई वैरायटीज़ की चलती हैं, छोटे बड़े मीडियम, और इसके अलावा यहाँ पे चिकन के आइटम्स मतलब हर चीज़ के, नॉन वेज और वेज दोनों तरह के आइटम्स यहाँ पे मिलते हैं, ऐसे रोड पर ही ये बनाकर बेचते हैं। तो आप भी थोड़ा सा देखिए। तो गैस ये होटल से हमारे निकलते ही ये मतलब माल रोड शुरू हो जाता है थोड़ा सा आगे चलने पे, और ये 1 किलोमीटर के ही दायरे में फैला हुआ है, बहुत बड़े एरिया में नहीं है ये। और इसमें मतलब गाड़ी उड़ी लेके नहीं जा सकते हैं, ऐसे वॉकिंग करते करते ही घूमते हैं लोग यहाँ पर। और शाम के टाइम में तो ठंडा हो जाता है मौसम, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और बस ऐसे ही देखिए चीज़ें यहाँ पे, लकड़ी की बनी हुई चीज़ें, और चीड़ के जो पेड़ होते हैं उनकी ट्रंक से काट के फ्लावर जैसा मतलब उसकी उससे बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिकती है, वुलन चीज़ें बहुत बिकती हैं, और तरह तरह के आइटम्स यहाँ पे बिकते हैं। तो हम शाम को, हम 3 डेज़ वहाँ पे थे, और हम शाम को यहाँ पे निकल आते थे शाम को घूमने के लिए, और अच्छा लगता था यहाँ पे। और बाकी देखिए आप भी थोड़ा सा देखते हुए चलिए साथ ही साथ हमारे। और गैस यहाँ पे हमने तंदूरी चाय बहुत पी, और तंदूरी यहाँ पे तंदूरी नूडल्स मिलता है, तंदूरी पिज्ज़ा मिलता है, मतलब तंदूर से बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पे मिलती है। और देखिए यहाँ पे जो मैं आपको नॉनवेज के लिए बता रही थी वो इस तरह से यहाँ पे बनाते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये मतलब हेल्दी नहीं होते हैं, सॉरी मतलब जैसे
बहुत दिन का रखा हुआ सेल करते, ऐसा नहीं, क्योंकि ये इनका बिक जाता है। इतना यहाँ पे पब्लिक है, टूरिस्ट है कि मतलब बिक जाता है। बाकी मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि यहाँ पे रश नहीं होगा। रश तो यहाँ पे आपको केवल यहीं पे दिख रहा है, बाकी वैसे जगह जगह आप घूमने जाओगे तो इतना रश नहीं रहता है। ये माल रोड है और 1 किलोमीटर के ही एरिया में, इसीलिए ये यहाँ पे आपको रश दिख रहा होगा। बाकी देखिए गांधी जी आपको दिख रहे थे, तो ये जो सर्कल है इसको गांधी चौक यहाँ पे बोलते हैं। ये डलहौजी जो जगह है, यहाँ पे केवल 2 ही चौक आपको देखने को मिलेगा। एक है ये गांधी चौक और दूसरा सुभाष चौक है, उसकी वीडियो तो मैं नहीं ले पाई हूँ। गांधी चौक है जो कि हमारे होटल के पास में था, तो ये वीडियो में आ गया है। उसके अलावा गाइज देखिए अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। तो ये इंडो तिब्बतियन मार्केट है और इसके अंदर हमने जाके कई सारी चीज़ें ली। तो गाइज मेरी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और अपने नए वीडियो के साथ मैं आपको पूरा डलहौजी घुमाऊंगी। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।